हाँ अमीगोस, स्वागत है आपका अपने चैनल पर एनिमे फैंस। तो ये वीडियो हमारी फर्स्ट वीडियो का सेकंड पार्ट रहेगा, जो कि है एनिमे लिस्ट फॉर बिगिनर्स पार्ट वन। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर जाकर देख ले। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था टॉप 5 एनिमेज जो आपको अपनी एनिमे जर्नी में हेल्प करेंगे, और इस वीडियो में मैं बताऊँगा टॉप 5 टॉप क्लास एनिमेज जो उस जर्नी को एक लेवल और आगे ले जाएंगे। सो बी रेडी और बी पेशेंस, एनिमे के दुनिया का दरवाजा खुल रहा है। सो पिछले वीडियोस के एनिमे अगर आप देख चुके हो और अगर वो एनिमे आपको पसंद आए तो ये आने वाले एनिमेज आपका दिमाग हिला कर रख देने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टॉप क्लास एनिमे की तरफ, जो कि है सुपर हीरो से भरा, वेरी पॉपुलर और बेस्ट फाइटिंग सीन्स के साथ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माय हीरो एकेडमिया की विथ 5 सीजन्स। माय हीरो एकेडमिया इज डायरेक्टेड बाय केंजी नागासाकी, रिलीज डेट 3 अप्रैल 2016। यह एनिमे आप इंग्लिश और जैपनीज दोनों ही लैंग्वेज में सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं। इस एनिमे में 5 सीजन्स है, देयर आर 25 एपिसोड्स इन ईच सीजन। इस एनिमे के एपिसोड्स का रन टाइम है अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स, एंड ये एनिमे 2017 का बेस्ट रह चुका एनिमे है। यकीन मानिए दोस्तों, ये एनिमे देखते समय आपको मज़ा बहुत आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो माय हीरो एकेडमिया के बाद हमारे पास है आपके लिए एक अंडररेटेड सीरीज, जिसमें है डर, मजा, सजा, अंडरस्टैंडिंग, इमोशंस के साथ बेस्ट फाइटिंग सीन्स और एक प्यारा सा पर डेडली पैरासाइट। यस, मैं बात कर रहा हूँ पैरासाइट द मैगजीन सीजन 1 विथ 24 एपिसोड। पैरासाइट द मैगजीन इज डायरेक्टेड बाय केंची शिमोजो, रिलीज ऑन 9 अक्टूबर 2014। ये सीरीज आप जैपनीज एंड इंग्लिश लैंग्वेज में सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो। इस एनिमे में एक सीजन है विथ 24 एपिसोड, ईच एपिसोड इज अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट। ये एनिमे एक बहुत ही बढ़िया वे में आपको ह्यूमैनिटी के ट्रू नेचर से वाकिफ करवाता है। देख लो। इस एनिमे के बाद जो रिमेनिंग 3 एनिमे है ना, वह अपने एक अलग ही लेवल पर है। ये एनिमेज एक बार जिसने देखे वो जिंदगी भर इन्हें भूल नहीं पाता। बिगिनर्स क्या ये रेगुलर एनिमे की बेस्ट एंड फर्स्ट चॉइस रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी एनिमे लिस्ट के थर्ड एनिमे सीरीज से, जो कि है डेथ नोट विथ 1 सीजन एंड 37 एपिसोड्स। डेथ नोट इज डायरेक्टेड बाय तेत्सुरु आराकी, रिलीज डेट 3 अक्टूबर 2006। ये एनिमे आपको जैपनीज एंड इंग्लिश लैंग्वेज में सबटाइटल्स के साथ मिल जाएगा। इस एनिमे में एक सीजन है विथ 37 एपिसोड, ईच एपिसोड का रन टाइम इज 30 मिनट अप्रॉक्सीमेटली। बस सोचो, आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो और एक दिन अचानक आपको एक नोटबुक मिल जाए, जिस नोटबुक की स्पेशलिटी ये है कि उस नोटबुक के अंदर आप जिसका भी नाम लिखोगे वो आदमी मर जाएगा। इंटरेस्ट जगा? नहीं तो ये देख लो। I'm lost in the facade, takes me off the ground at all times, I think I'm blue.
ऐसी कोई बुक अगर आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो चलिए इसी के साथ हमारे एनिमे लिस्ट के अगली एनिमे जिसने किया है दुनिया को पागल। इस एनिमे के एपिसोड्स का है पूरी दुनिया को इंतज़ार। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन द वन एंड ओनली अटैक ऑन टाइटन विथ 4 सीजन्स। अटैक ऑन टाइटन इज डायरेक्टेड बाय तेत्सुरो ओराकी। रिलीज डेट 7 अप्रैल 2013। ये एनिमे आपको मिल जाएगी जैपनीज एंड इंग्लिश लैंग्वेज में सबटाइटल्स के साथ। इस सीरीज में 4 सीजन है, हर एक सीजन में 25 एपिसोड्स है। हर एक एपिसोड का रन टाइम अप्रॉक्सीमेटली 120 मिनट है। बस इमेजिन करो, तुम तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे पड़ोसी सब आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो, सब बढ़िया चल रहा है, एंड सडनली 10-10, 50-50 मीटर के बड़े बड़े टाइटन तुम्हारे सामने आ जाए, फिर क्या करोगे? नहीं जानते तो ये देख लो। अटैक ऑन टाइटन का लास्ट एपिसोड अभी आने वाला है और सब लोग उसका बेसब्री से वेट कर रहे हैं, पर आप वेट मत कीजिए, तब तक आप देख सकते हैं हमारी लिस्ट की बेस्ट सीरीज द मास्टरपीस, अपनी तरह की एक द वन एंड ओनली नारुतो। इस सीरीज के दो पार्ट्स हैं, पहला है नारुतो और दूसरा है नारुतो शिपुडन। आप नारुतो से स्टार्ट कीजिए। नारुतो इज डायरेक्टेड बाय हायाटो डाटे। रिलीज डेट 3 अक्टूबर 2002। ये एनिमे आप जैपनीज एंड इंग्लिश और थोड़ा ढूंढने पर शायद हिंदी में भी देख सकते हैं। नारुतो एक ऐसा एनिमे है जिसे हम मास्टरपीस भी कह सकते हैं। एक छोटे बच्चे की निंजा बनने की कहानी, एक दोस्त की एक दोस्त को अपने आप से बचाने की कहानी, एक लड़के की पूरी दुनिया बदलने की कहानी। दोस्तों ये सीरीज़ मेरी फेवरेट है। इस सीरीज़ में एक्शन, सस्पेंस, थ्रिल, ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी सब कुछ मिलेगा आपको। इस सीरीज़ के फैंस वर्ल्ड वाइड है। अगर आप एक एनिमे फ़ैन हो तो ये हो ही नहीं सकता कि आपने ये सीरीज़ देखी ना हो या फिर इसका नाम ना सुना हो। अगर नहीं तो प्लीज़ जाके देख लो। The Tale of Naruto Uzumaki. Yes, that is a nice ring to it. Edo Tensei no Jutsu. Sono Sharingan. Shinra Tensei. Is this the power of a god? Cotton. इस सीरीज का एक ही ब्लैक पॉइंट है, इसके फिलर एपिसोड्स। फिलर यानी ऐसे एपिसोड्स जिनका एनिमे के मेन स्टोरी लाइन से कोई नाता ना हो या फिर एनिमे के किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की बैक स्टोरी। आप फिलर भी देख सकते हैं, बट मैं रिकमेंडेड करूँगा आप पहले स्टोरी लाइन के एपिसोड्स देखें, बाद में फिलर देखें। कैसे देख सकते हैं टेंशन मत लीजिए। नारुतो के फिलर लिस्ट का मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, और अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हो तो वो वीडियो अब तक आ चुका होगा, जाके चेक कीजिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो इसी के साथ अब मैं विदा लेता हूँ आपसे। सभी एनिमे फैंस को आस्ताला विस्ता अमिगोज़।